तो श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए टीम इंडिया का ऐलान कब होगा वो डेट आपको बताएंगे। उसके साथ में आपको ये बताएंगे कौन से खिलाड़ियों की हो सकती है वापसी जो इंजरी के कारण अब तक थे टीम इंडिया से बाहर, और कौन से खिलाड़ियों को दिया जा सकता है राम। सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपको ये कहना चाहते हैं, अगर आप ये वीडियो फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो नीचे फॉलो का बटन आपको दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके फॉलो करो हमारा पेज। और अगर आप ये वीडियो YouTube के ऊपर देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को करो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक करो। आगे बढ़ने से पहले आपको एक और रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करो और वीडियो को शेयर करो, व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम सब जगह पर प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कर दो। तो सबसे पहले इंडिया और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला खेली जाएगी, जिसका आगाज हो जाएगा 5 जनवरी से। पहला मुकाबला खेला जाएगा 5 जनवरी को गुवाहाटी में, दूसरा मुकाबला खेला जाएगा 7 जनवरी को इंदौर में, और तीसरा मुकाबला खेला जाएगा 10 जनवरी को पुणे में। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 जनवरी से 3 मुकाबलों की ODI श्रृंखला खेली जाएगी। इन दोनों श्रृंखलाओं के लिए टीम इंडिया का ऐलान होगा 26 दिसंबर को। और इम्पोर्टेंट बातें यह है, रोहित शर्मा को आराम दिया जाएगा, T20 श्रृंखला होनी है जो श्रीलंका खिलाफ उसमें, और शिखर धवन की वापसी हो सकती है क्योंकि वो 100% फिट हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह फिट है लेकिन NCA ने उनको फिट डिक्लेयर नहीं किया है। अब NCA की यहां पर ये रिक्वायरमेंट है कि जसप्रीत बुमराह रणजी ट्रॉफी का एक मुकाबला खेले जो गुरुवार को होना है गुजरात और केरला के बीच, वो मुकाबला खेले और उसके बाद NCA उनको फिट डिक्लेयर करेगा। अब आपको NCA के बारे में बता दें, NCA नेशनल ग्रेट अकेडमी है जो बैंगलोर में स्थित है। और जहां पर आपको बता दें हार्दिक पांड्या के बारे में, तो हार्दिक पांड्या भी 100% फिट नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की ODI श्रृंखला में उनकी वापसी हो सकती है, उनका सिलेक्शन उस सीरीज में हो सकता है। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की जो T20 श्रृंखला होनी उसमें उनका सिलेक्शन नहीं होगा। और सूर्य कुमार यादव को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की जो ODI श्रृंखला होनी उसमें मौका मिल सकता है केदार यादव की जगह पर। तो ये थी इंपॉर्टेंट बातें सिलेक्शन के बारे में खबर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।